अपनी जिंदगी को अंधेरों में खोने जा रहा था मैं, तब तो राधा मुझे उस रोशनी की ओर लेकर आई जहां सच का सामना करना मेरे लिए आसान हो गया था। कितनी बार कहा है मैंने इस घर में रोशनी नहीं चाहिए मुझे। लगता है आपको अंधेरों में रहने की आदत पड़ गई है शौर्य जी। अनामिका, अनामिका तुम यहां? नहीं अनामिका नहीं, राधा, राधा अग्रवाल, उस खानदान की बहू जिसके आशियाने को आपने अंधेरों के हवाले कर दिया। लेकिन देख रही हूं दूसरों की जिंदगी की दुखों को काली परछाई का साया देने वाला आज खुद जिंदगी की रोशनी का सामना नहीं कर पा रहा है। ये कैसा मकसद था आपका शौर्य जी, जिसने ना उस परिवार को खुश रहने का मौका दिया और ना ही आपको खुद का सामना करने की हिम्मत। पूरा करने का नतीजा तो देख ही लिया आपने, है ना शौर्य? इतने दिनों बाद आई हो तुम मुझसे मिलने। क्या अब भी शिकवा है तुम्हारे मन में अपने इस दोस्त के लिए? दोस्ती निभाना चाहते हैं ना, तो लौटा दीजिए अपनी दोस्त को उसकी खोई हुई खुशी, उसके खोए हुए पल वापस क्यों नहीं कर देते आप शौर्य जी? तुम्हें I'm sorry. राधा अग्रवाल। मैंने अपनी दोस्ती को एक नाम दिया था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि उस नाम का ताल्लुक अग्रवाल खानदान से होगा। मैं जानता हूं अग्रवाल खानदान की बहू हो तुम, लेकिन मेरे मन ने हमेशा यही चाहा कि मेरा सामना हमेशा एक दोस्त से हो, अपने मन से, अपने मन की गहराइयों से इस नाम को मिटा देना चाहता हूं मैं, ताकि मैं अपने अकेलेपन के साथ रह सकूं। साथ हो तो एक ऐसे इंसान का जो ये जिंदगी हार चुका हो। जब आप ये बात मानते हैं शौर्य जी कि आपको आपकी जिद से कुछ हासिल नहीं हुआ, नफरत की इस भावना ने आपको अकेलेपन के अलावा और कुछ भी नहीं दिया, आप इस बात को समझते हैं तो सही राह को क्यों नहीं अपना लेते शौर्य जी? करना तो बहुत कुछ चाहता हूं मैं, लेकिन जो अपनी अंतरात्मा को ही मार चुका हो वो कोई राह चुनने के काबिल ही कहां रह जाता है। सब बातों को मुझे ये बताओ, माची कैसी है? माँ कहते हैं ना आप उन्हें, तो उन्हें उनका अधिकार क्यों नहीं लौटा देते शौर्य जी? क्या मिल गया आपको उस परिवार को तबाह करके? यह अकेलापन, यह अंधेरा, क्या ऐसी ही जिंदगी चुनी है आपने अपने लिए? जो चुना था अपने लिए उसका परिणाम भुगत रहा हूं मैं। दूसरों को तबाह कर देना चाहता था, लेकिन यह भूल गया था जिसे मैं गैर समझ रहा हूं, आखिर
वो ही तो मेरे अपने हैं। आज ना तो वो परिवार अपने हालात से खुश है और ना ही आप अपने फैसले से। जो वक्त आपने उनकी किस्मत में लिख दिया है ना, उस वक्त को अपनाना उनके लिए कितना मुश्किल हो रहा है। पल पल समझौतों की राह तय करनी पड़ रही है उस परिवार को। उस घर का बड़ा बेटा जो एक वक्त पर अपने परिवार की ढाल हुआ करता था, इन परिस्थितियों के कारण वो अपने आप को इतना मजबूर महसूस कर रहा है, इस बात का तो शायद आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते शौर्य जी। और आप खुद भी तो अपने किए पर खुश नहीं हो ना शौर्य जी। ये घर ये कारोबार छीनकर आपको भी तो अपनी नजरों में सिर्फ हार ही नसीब हुई है। ठीक कहा तुमने राधा, हार गया हूं मैं वक्त से, हार गया हूं मैं खुद से। हर पल जिंदगी का सामना करने वाले इस हौसले से भी हार चुका हूं मैं। अपनों का साथ खोकर जिंदगी की जंग से भी हार चुका हूं मैं राधा। ना तो अब ये वक्त मेरे हाथ में है और ना ही जिंदगी की कोई उम्मीद। अपने नसीब में ये दुखों का साथ लिखने का फैसला तो आप बहुत पहले ही कर चुके थे शौर्य जी, लेकिन अब आपको इस पछतावे भरी जिंदगी से बाहर निकलने का फैसला लेना ही होगा शौर्य जी। अब भी आप उस परिवार को उनकी खुशियां लौटाकर खुद को इस हार से मुक्त कर सकते हैं। हाँ शौर्य जी, अपनी जिंदगी को जीतने का मौका दे सकते हैं आप। अभी भी वक्त है शौर्य जी, जिसके बनाए हुए संसार में आपको आज तक कभी खुशी हासिल नहीं हुई, उस परिवार को उसकी खुशियां लौटा दीजिए। फिर देखिएगा शौर्य जी, आप कभी अपनों को गैर नहीं कह पाएंगे। हाँ शौर्य जी, आपको कभी इन अंधेरों की जरूरत महसूस नहीं होगी। शौर्य जी, उस परिवार को उनकी अमानत वापस दे दीजिए शौर्य जी। उनसे उनकी खुशियां मत छीने शौर्य जी, उन्हें उनकी अमानत वापस लौटा दीजिए शौर्य जी, वापस लौटा दीजिए। मेरे इस एक कदम ने मुझे मेरे अपनों से इतना दूर कर दिया कि मेरे इस अधूरे फासलों को तय कर पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। कभी नहीं, मैं अपने हर एक गलत मकसद में कामयाब होता रहा और जिंदगी का हर एक पल नाकामयाबी के अंधेरों में डूबता चला गया। मैं नहीं समझ पा रहा था कि मैं अपने वक्त को कैसे बदल सकूं। हर उम्मीद, हर रास्ते बेमाने लग रहे थे मुझे। अगर आज राधा ने मुझे सही रास्ता नहीं दिखाया होता तो मैं अपनी दुनिया तो पहले ही खत्म कर चुका था, और आज अपनी जिंदगी एक जिंदा लाश बन के रखती होती। अपने इस एक फैसले का नतीजा अब तक भुगत रहा हूं मैं, लेकिन अब ये एक फैसला लेकर मैं अपने मन का सारा बोझ उतार देना चाहता हूं। रवि, ये अग्रवाल खानदान की प्रॉपर्टी और बिजनेस के सारे पेपर्स, इन्हें इनके असली हकदार के हाथों में सौंपकर बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं मैं। प्लीज रवि,
हीरोइन। प्लीज रवि, तुम्हें माफ करने का मन तो नहीं करता। बहुत आंसू दिए हैं तुमने मेरे परिवार को, पल पल दुख का सामना किया है मेरे परिवार ने तुम्हारी वजह से। तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी मेरे परिवार को बर्बाद करने की, हर कोशिश की तुमने। बहुत बहुत दुख और तकलीफ दी है तुमने मेरे परिवार को। रवि, आज सारी तकलीफें दूर कर देना चाहता हूं मैं। नफरत का रिश्ता तो बखूबी निभाया है हम दोनों ने, क्या दोस्ती को एक मौका भी नहीं दोगे? जानता हूं मैं रवि, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या अपने दुश्मन को एक गलती सुधारने का मौका नहीं दोगे रवि? मेरे भाई, क्या मुझे मेरी एक गलती सुधारने का मौका नहीं दोगे मेरे भाई? सही कहा था तुमने रवि, एक मां को तकलीफ देकर एक पल भी चैन से नहीं जी पाया मैं। मुझे मेरी जिंदगी में एक पल के लिए भी सुकून नहीं मिला। मुझे माफ कर दीजिए मां जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको बहुत तकलीफें दी है। एक मां को तकलीफ देना बहुत बड़ा पाप होता है, और अफसोस तो यह है कि वो पाप मैंने किया है। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने तुमसे कहा था ना, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। इस परिवार को हमेशा तुम्हारा इंतजार रहेगा, कहा था ना। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं। चलिए ना माँ जी, चलिए माँ जी, मैं आपको आपके घर ले जाने आया हूँ। आपके सारे परिवार को आपके खुद के घर ले जाने आया हूं, जहां आप सबके
आप सबकी जिंदगी की यादें जुड़ी हुई हैं। प्लीज बाजी, प्लीज चलिए, मैं आपको आपका संसार लौटा देना चाहता हूं। प्लीज बाजी, चलिए ना अपने घर, चलिए। नाराज है मुझसे? नहीं भैया। तारा, आज का दिन हम सबके लिए सारी पुरानी यादें लेकर आया है। याद है तारा, जब हम अपने उस घर में रहते थे और जब राधा भी हमारे साथ थी। तारा, वो पल हमारी जिंदगी के सबसे अच्छे पल थे। और आज भी देखो, आज भी जबकि इस घर की बहू लौट कर आ गई है, तो वो राधा ही है जिसकी वजह से हमारे सारे परिवार में खुशियां लौट कर आई हैं। हां तारा, अब मैं अपने पापा के सारे सपनों को पूरा कर सकता हूं। अपने इस परिवार के लिए जो भी मैंने सोचा था, जो कुछ भी मैं करना चाहता था, वो सब मैं अब कर सकता हूं। तारा, कल की सुबह हम सबके लिए बहुत ही अहम होगी, क्योंकि कल हम सब अपने उसी घर में लौट जाएंगे, अपने उसी आशियाने में जहां जहां हमारी सारी यादें जुड़ी हुई। तारा, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा हमने सोचा था। सब कुछ वैसा नहीं होगा भैया, नहीं होगा वैसा जैसा मैंने चाहा था। तारा, तुम नहीं जानती कि मैं आज कितना खुश हूं। तारा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई बुरा सपना जी रहे थे और एकदम से सपना टूटा और हम अपने अपने उसी खुशियों भरे संसार में लौट आए, अपने उसी घर में। तारा, जो हमारा अपना था, जहां हमारी अपनी खुशियां थी। आज तुम सबको तुम्हारी ही खुशियां देकर मेरे मन को बहुत सुकून नसीब हो रहा है। अपने ही भाई बहन के हिस्से के सुख चैन छीनने चला था मैं। अब कोई मुझे अपना समझे या ना समझे, लेकिन मैं अब इन अपनों को दोबारा कोई ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। तारा, मैं जानता हूं तुम मुझसे कह नहीं पा रही हो, लेकिन नाराज होना मुझसे, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए करण से भी अच्छा जीवन साथी लेकर आऊंगा। एक ऐसा हमसफर जो तुम्हारे जीवन में खुशियां लेकर आएगा, तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा और तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। तुम्हारे आंखों में ये आंसू कभी नहीं आने देगा, ये वादा है मेरा तुमसे। भैया, आपके फैसले को मैं मान चुकी हूं, आप सबकी खुशियों में भी शामिल हूं, लेकिन अब एक फैसला मैंने भी किया है, कम से कम इस फैसले को तो मेरे साथ रहने दीजिए। आप करण को मेरी जिंदगी में नहीं देखना चाहते ना, और मैं करण के अलावा किसी और को अपनी जिंदगी में नहीं देख सकती। आपके फैसले का मान रखकर मैंने भी एक फैसला किया है, मैं शादी नहीं करूंगी। तारा,
सायरा तुम क्या कह रही हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी मेरे फैसले का मान रखेंगे। तारा मेरी मेरी बात तो सुनो तारा। तेरी कहानी प्रस्तुत करता लक्स टॉयलेट सोप, बस जरा सा लक्स।